हो तुम्हें गज बदन हम मनाते रहेंगे। कहना है दयालु से, ओ तुम्हें गज बदन हम मनाते रहेंगे। दया का खजाना लुटाकर तो देखो, दया का खजाना। कहना है हमारे से, वो जिंदगी चार दिन की तो है, बस अकेला ही जाना पड़ेगा। जिंदगी चार दिन की तो है, बस अकेला ही जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा पड़ेगा Yeah.
आगे बात उस समय की है, चारों राजकुमार आश्रम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। क्या होता है, आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके वापस आते हैं, सारे नगरवासी खुशियां मनाते हैं। क्या होता है, तो गुरु आश्रम से आ गए चारों राजकुमार, तीनों रानी राजा दशरथ खुश है सब, सारे नगरवासी खुशियां मनाते हैं। तो मैया माता चूमती करती प्यार दुलार, बहुत दिनों के बाद में पाए चारों राजकुमार, सारे नगरवासी खुशियां मनाते हैं, झूमते हैं, नाचते गाते हैं और क्या कहते हैं, हो नर नारिया सब देख रहे प्रेम प्यार से, होता है वो नर नारियां सब देख रहे प्रेम प्यार से, आशा लगी माँ बाप की चारों कुमार से, ओ इन्हें ना देना नजर लगे हमारी उम्र, नगर वासी की आशा चारों कुमार से, ओ ललन चारों को, ललन चारों को जीने से लगा ले मैया जाकर के बैठ जाती है। क्या होता है,
तो गोप भवन में बैठ गई बिखरे काले वाले राजा दशरथ पूछते क्यों बिखरा तो बिखरे काले वाले हैं और नैना हो रे लाल क्या कारण बतलाइए दशरथ जी पूछते हैं महारानी ये दशा कैसे बनाई है और क्या कारण है बतलाइए क्या कहते हमारा दशरथ हाँ कैसे हो रही है आंखें लाल लाल हमारा नहीं हो कैसे हो रही है आंखें लाल लाल महारानी महारानी दशा कैसे बिगड़ गई महारानी दशा कैसे मंडल को प्रदान होता है मंडल बंधन अभिनंदन करता है तो हमारा नहीं सारा नगर खुशियां मना रहा है और आप अकेली को भवन में बैठी हो आशीर्वाद क्या है बताइए आज नगर खुशियों में कहती है तो राज भरत को दीजिए तो पहला वरदान दूजा वर वनवास राम को दे दीजिए महाराज क्या होता है महाराज दशरथ व्याकुल हो जाते हैं और क्या कहते हैं तो हमारा नहीं पहला वर मांग लो जिसमें भरत को राज हो जाए और मेरे राम को बन जाने का वरदान मत मांगो और क्या कहते हैं हमारा दशरथ
तो हमारा नहीं रानी तुम कैसी बात करती हो, तो हमारा नहीं रानी तुम कैसी बात करती हो, ये कैसा करनी आई रानी तुम कैसी बात करती हो। प्रभु चरणों में लग जाए।